Thank you.
सो ट्रेडर्स, एक ही ट्रेड सीएट लिमिटेड आज के दिन में 3000 प्रॉफिट कम हुआ, बट अगर आज का ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका मैं ये वीडियो में बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है, बिगेस्ट मिथ जो है मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, आज मैं आपका वो दूर करूंगा। और इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन हुआ ये कि आप सोचते रह जाओगे कि ऐसा भी कुछ मार्केट में होता है या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई ट्रेडर वो लेवल का कॉन्फिडेंस लेके बैठ सकता है मार्केट में। सो बात करेंगे, आपने पहले पहले देखा होगा कि मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में कुछ फ्यूचर बाय करने का ट्राई किया। वो क्यों बाय करने का ट्राई किया था, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट आया हुआ था, इट वॉज अ क्लियर ब्रेकआउट, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि मार्जिन नहीं था, मेरी गलती थी। 74,000 मार्जिन लेके बैठा हुआ था, जिस दिन फुल मार्जिन लगनी उस दिन 74,000 मार्जिन लेके बैठा हुआ था मैं, उसमें रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ट्राई किया, फिर चलो ठीक है फ्यूचर नहीं तो कैश में आज ट्राई करते हैं, स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, अप ट्रेंड अच्छा है, ब्रेकआउट आया हुआ है। फिर 500 क्वांटिटी के लेवल पे मैंने ट्राई किया बाय करना, अगेन वो रिजेक्ट हो गया, उसमें अराउंड 1,24,000 के आसपास मार्जिन मांग रहा था, तो इसको मैंने फिर अवॉइड कर लिया। स्टॉप लॉस मेरा ये था, अगर आप देखोगे तो आज काफ़ी अच्छा गया हुआ है, यहाँ पर बाइंग के बाद थोड़ा साइडवेज और यहाँ पर, तो अराउंड मेरा 12-15,000 के आसपास इजी टू गो प्रॉफिट हो जाता मेरा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। बट गलती है, एक्सेप्ट किया, नो प्रॉब्लम 74,000। और मेरा ऐसा भी नहीं था कि मेरा वो विचार नहीं था कि मुझे और मार्जिन ऐड करके आज काम करना है। वॉलेटाइल है, अराउंड 250 पॉइंट के आसपास हम लोग ऊपर आ चुके हैं, तो वॉलेटाइल तो हो चुका है मार्केट ऑलरेडी। एक लेवल तक अप टू एक्सटेंड तक मार्केट को जितना ऊपर आना था हो चुका है, अब थोड़ा बहुत 19 भी ऊपर नीचे जाएगा या साइडवेज होगा, तो ऐसे ट्रैप होने से अच्छा आई थॉट कि जितनी मार्जिन है आज उसी पे ही मुझे काम करना है, और एक ये चैलेंज के हिसाब से मैंने एक्सेप्ट किया। तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया, मैं गया जीरोदा के वेबसाइट पे। जीरोदा के वेबसाइट पे ये यहाँ पर फ्यूचर्स की मार्जिन दिखती है हमको कि कितनी लगता है यहाँ पर फ्यूचर का एग्जैक्टली मार्जिन जर्नल डेज पे। तो आज के दिन पे जो है NRML की जो मार्जिन रहेगी हमको वो पे करनी होती है एज अ मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने देखा, चलो ठीक है देखता हूँ कि ऐसा कौन सा स्टॉक है ऊपर से लिस्ट में कि जो 74,000 के अंदर आता है, मैं आज उस पर ट्रेड करके देखता हूँ। जो स्टॉक सिलेक्शन की मिथ होती है आपको कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत इजी स्टॉक मिल जाए मुझे, मैं एंट्री करूँ और ऊपर चला जाए और मेरा प्रॉफिट हो जाए, या मोमेंटम वाला स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, ये बहुत मिथ्स होते हैं मार्केट में लोगों के, और जो लोगों ने क्रिएट भी किए हुए हैं दूसरे ट्रेडर्स के लिए। तो आज वो आपका मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो को समझ लिया तो आज से आपका वो मिथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आते हैं, हम देखते हैं 74,000 का, आप देख सकते हो, देखो ये 79,000 है,
ये 94,000 है, ये 28,000 का था यहाँ पर मार्जिन लगने का यहाँ पर एनआर में, बट 100 के नीचे वाला स्टॉक है मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो हम लोग अगर ऊपर से नीचे तक अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले जो स्टॉक है वो आता है हमारा सीएट का, देखिए 67,439। चलो ठीक है, 74,000 के अंदर भी है, 2,500-3,000 की रिस्क लेके बैठता हूँ मैं, तो सब पॉकेट साइज के हिसाब से हो गया। मतलब चलो देखते हैं कि कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी है सीएट में, तो मैंने सीएट का चार्ट ओपन कर लिया, डेली चार्ट देखा तो इसका अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट होने का चांस है डेली चार्ट पे। एक बार वो देख लिया कि चलो ठीक है चांसेस है ऊपर आने के इसके, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे देखा मेरा जो जोन अगर कुछ मिल रहा है मुझे, तो जब मैंने सी एट पे मैंने देखा वो टाइम पे, देखिए ट्रेडर ये वो टाइम पे ये ब्रेकआउट दे रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था। मैंने यहाँ पर 990 का, आपने वीडियो में वो भी देखा होगा, 990 का फ्यूचर का बाय लेवल यहाँ पर पेंडिंग रखा हुआ था। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये गैप अप हो गया और मेरा उसने ऑर्डर स्किप कर लिया डायरेक्टली यहाँ पर, फिर मैंने मार्केट में इस पर मैंने बाय कर लिया। 990.50 का भी ट्राई किया बट वो भी हाथ में नहीं आया, 992.95 के आसपास चल रहा था, थोड़ा सा लेट एंट्री हो गई मेरी, मार्केट में मैंने डाल दिया। स्टॉप लॉस रखा हुआ था मैंने जस्ट ये नीचे बॉटम का स्विंग लो, उसके बाद साइडवेज हो गया, फिर साइडवेज हो गया यहाँ पर एंड ये अच्छी रैली दी इसने। इनिशियल जो टारगेट था मेरा ये टारगेट था, ओके ये लेवल में मेरा टारगेट था, बट अगेन यहाँ पर राउंड फिगर 1000 का भाव आ रहा था फ्यूचर में, 1001 का मेरे सामने इसने हाई भी लगाया, तो 1001 पे पेंडिंग रखा हुआ था। बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बना, साइन ऑफ रिवर्सल। अगेन यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बनने से जो बता रहा था हमें कि भाई यहाँ से बहुत चांसेस है नीचे आने का, तो मैंने इसको फिर 1000 पे मॉडिफाई करके एग्जिट कर लिया। प्रॉफिट बड़ा नहीं हुआ ट्रेडर्स मेरा आज, प्रॉफिट 3000 का हुआ पॉकेट साइज के हिसाब से। लेट से जैसे मैं 2,500 रुपये लेके आता हूँ रिस्क उठा के आता हूँ, प्रॉफिट करने आता हूँ 3000 to 7000 के बीच में आता हूँ। 3000 मतलब मैंने आज बेस पॉइंट में मैंने बुक किया, वॉलेटाइल डे, मार्जिन मैंने अपने हिसाब से, स्टॉक मैंने अपने हिसाब से लिया, एंट्री मैंने अपने हिसाब से लिया, मार्केट को मैंने कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया कि मेरे अगेंस्ट में आके जाके मुझे मेरा लॉस दे के जाए। स्टॉक मैंने वो सिलेक्ट किया जो मेरे मार्जिन के हिसाब से आ रहा है। आप वो चीज़ को गौर फरमाइए, वो चीज़ को ध्यान दीजिए। लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं कि मैं अच्छा स्टॉक ढूंढ लूँ, उस पर मस्त ब्रेकआउट आएगा और मैं उसको बाय कर लूँ, ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो होती है आपकी स्किल और आपका एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्किल्स, जितना टाइम आपने चार्ट्स के ऊपर बिताया है वो आपका टाइम जो है पूरा का पूरा यूटिलाइज और पूरा का पूरा आपको हेल्पफुल होता है आपके लाइव मार्केट ट्रेडिंग में। सो आई होप आपको ये थोड़ी सी फनी चीज़ लगी होगी कि ऐसे भी टाइप की स्टॉक सिलेक्शन होती है। एक्चुअली वैसे टाइप की स्टॉक सिलेक्शन नहीं होती है, मैंने जो आज इसको करके दिखाया है वो इसलिए आपको करके दिखाया है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मेरे पास स्क्रीनर हो तो मेरे को अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, नहीं तो मैं आधा अधूरा हूँ ट्रेडर, मेरे पास कुछ सिस्टम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास स्किल्स हैं, प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप रॉक कर सकते हो मार्केट में, पैसा बना के ही आओगे आप मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।